हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सोशल स्टडी के, और वो भी 2 मार्क्स के, है ना। कि 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट जो आपके आ सकते हैं एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो 2 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सोइल इरोजन। ओके, मतलब क्या मीन है सोइल इरोजन का। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लें। और एक और है, व्हाट डू यू मीन बाय सोइल कंजर्वेशन। ये भी आपका जो वेरी शॉर्ट या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, है ना, उनमें आ सकता है। और देखो, आपका एक और है, वो है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द सक्सेस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये एक ही चैप्टर में से है। और एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर का, वो है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ मैं, ये एक ही चैप्टर में से है, और 2 मार्क्स में से इनमें से इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं। ओके, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पार्ट 1, उसमें से है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देखो, अगला जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना, पार्ट 2 है। तो देखो, इसमें आप क्या करना, इसमें आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना। तो देखो, एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, और एक है व्हाट आर फूड क्रॉप्स डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है ना, डिफरेंशिएट करने का जो है, ये 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। एक और है, गिव द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, आपको हालांकि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है उसमें आपको नहीं मिलेगा, एक अलग से क्वेश्चन है, तो आप जो परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन जिसमें से भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और देखो, इस चैप्टर में से तो बस इतने ही पढ़ लेना, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखो, अगर आपने पहले से ही कुछ पढ़ रखा है तो ऐसा मत करना कि ये आपने जो पढ़ रखा है उन्हें पढ़ नहीं रहे हैं, मैंने जो बताए हैं वही पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो उन्हें भी पढ़ते चलना, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी पढ़ लेना। ठीक है, अगर किसी की तैयारी नहीं है तो फिर वो जो मैं बता रहा हूँ भले ही वो ही पढ़ ले, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो उसे भी पढ़ते चले। ओके, देखिए, अभी तक आपके पूरे 8 क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना। अब जो अगला चैप्टर है आपका वो है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, मैं यूनिट नहीं बता रहा हूँ, चैप्टर बता रहा हूँ। तो जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, वो है द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर होता है ये, और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें। तो देखिए, इसमें पढ़ लेना, नेम द प्लेसेस मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, ये पढ़ लेना कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो कि बहुत अफेक्टेड हुई थी जब फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का हुआ था तब। ठीक है, देखो अगला है, व्हाट वर द इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। और इसके बाद एक और है, नेम अ फ्यू मेन फ्रीडम फाइटर्स हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके, तो इसे भी आप पढ़ लेना। अब देखो, अगला जो है वो चैप्टर नंबर 8 है, है ना, मैं चैप्टर्स में बता रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 8 है आपका, उसमें आप जो आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बॉयकॉट एक्सप्लेन, तो उसे पढ़ लेना। ओके, और एक है नेम द लीडर्स ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, तो इसे भी पढ़ लेना आप। और एक और भी है, व्हाट वाज द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय लॉर्ड कर्जन फॉर गवर्नेंस। ओके, ये भी है। और बस एक आखिरी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, चलिए इतनी पढ़ लीजिएगा, जितने आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक, तो इतने पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स की एक यूनिट है 7 और 8 की, इनमें से 2 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो इतने पढ़ लेंगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, देखो मैं वापस कह रहा हूँ कि मैं चैप्टर्स में से बता रहा हूँ, तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, और चैप्टर में जाके पढ़ लेना, क्योंकि 2 मार्क्स से तो बहुत कम चांसेस होते, मतलब बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स में कभी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो, जो चैप्टर नंबर 15 है आपका, तो उसमें आप जो एक क्वेश्चन है, नेशनल इनकम, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, ये पढ़ लेना। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, ये पढ़ लेना। और व्हाट इज़ नेशनल विजन 2020, ये पढ़ लेना। ओके, और एक और पढ़ लेना, व्हाट आर द डेवलपिंग एंड डेवलपिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया।
ठीक है, व्हाट आर विच आर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, इसमें से 4 क्वेश्चंस ही हैं, इन 4 को पढ़ लेना। देखिए अगला चैप्टर जो है चैप्टर 16, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर बता देता हूँ। वो है हु इज़ पेड अनएम्प्लॉयड अलाउंस, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 17 है वो है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, तो इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। तो देखो इसमें आप क्वेश्चन है एक स्टेट, 2 मिनट रुकिएगा, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा डिफाइन मनी, ओके, और व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स, है ना, कमर्शियल बैंक्स क्या है, और इसके बाद ये पढ़ लेना व्हाट इज़ मीड बाय द फाइनेंस सिस्टम। ओके, अभी तक आपके सिर्फ 23 क्वेश्चंस हुए हैं, है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो अगला चैप्टर है आपका वो है चैप्टर नंबर 18, तो ये है इकोनॉमिक सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो इसमें आप टर्शरी सेक्टर पढ़ लेना, और आपका जो सेकेंडरी सेक्टर और जो प्राइमरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स को पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बता रहा, इसमें बता रहा हूँ कि आप टर्शरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, तीनों पढ़ लेना पेज नंबर 303 पे, ओके, है ना। और देखो आपका जो चैप्टर नंबर 19 है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस, तो इसमें से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी सा है, इसमें एक दो क्वेश्चन से आते हैं, है ना, जो पहले आ चुके हैं वही आते हैं। तो इसमें है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, और एक और है व्हाट इज़ मोनोपोली, और लास्ट है स्टेट एनी 2 काइंड्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो यार दोस्तों बस यही थी आपकी वीडियो, आपको 30 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, इनको अच्छे से पढ़ डालो तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली